गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आई नो कि आप सब ने यूट्यूब पे ये इन्फॉर्मेशन देख ही ली होगी, हर जगह दिख रहा है 20,000 वैकेंसीज ऑफ DSSSB। सो एक्चुअली में है क्या, तो ये आपका जो लेटर रिलीज हुआ है रिगार्डिंग 20,000 वैकेंसीज, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी 2-3 महीने पहले वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग दिस, कि 20,000 वैकेंसीज आनी है जिनकी ज्वाइनिंग भी मार्च 2025 तक हो जाएगी। बट येस, मैंने आपको बोला था कि अभी तो पहले वाले एग्जाम्स ही नहीं हुए हैं, जो एग्जाम्स के आपने फॉर्म भरे हुए हैं PGT TGT NTT, सम नॉन टीचिंग पोस्ट, तो अभी वैकेंसीज कहाँ से आएंगे और कहाँ से ज्वाइनिंग हो जाएगी, सो इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो आपकी वैकेंसीज आने भी वाली है 20,000, ये आपकी सिर्फ टीचिंग की वैकेंसीज नहीं है, दे आर फॉर नॉन टीचिंग एज वेल एज टीचिंग वैकेंसीज। बट येस, 20,000 में से 8,000 से लेकर 8,500 तक आप लोगों की टीचिंग जॉब वैकेंसीज हैं जो आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं बाय द एंड ऑफ दिसंबर। नवंबर में तो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, बट येस, कहने को कुछ भी हो सकता है। कभी कभी DSSSB भी बहुत फास्ट भी वर्क करता है, कभी कभी बहुत स्लो भी वर्क करता है, बट तभी भी हम नवंबर को छोड़ के ही बैठते हैं। हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी जो वैकेंसीज है दे कम इन द मंथ ऑफ दिसंबर ओनली, दिसंबर एंड ही मान के चलिए, नॉट द बिगनिंग। सो आपकी जो 8,000 से लेके 8,500 तक टीचिंग जॉब वैकेंसीज आएंगी, उसमें आपकी PRTs की वैकेंसीज भी इंक्लूड होंगी, TGTs भी इंक्लूड होंगी, PGTs भी इंक्लूड होंगी और NTT भी इंक्लूड होंगी। ये सारी की सारी वैकेंसीज आनी ही हैं। देन आप लोग ये भी जानते हैं कि ये वैकेंसीज आपको साथ में देखने को कभी भी नहीं मिलती हैं, ये वैकेंसीज हमेशा पार्ट्स में आती हैं। जैसे पहले भी हुआ था, NTT की वैकेंसीज आई, फॉर्म फिलिंग हुई, PGTs की फॉर्म फिलिंग हुई, फिर TGTs की फॉर्म फिलिंग हुई, इसी तरह से आप लोगों को ये वैकेंसीज धीरे धीरे ही देखने को मिलेंगी। एंड होपफुली हम एक्सपेक्ट करें कि सबसे पहले PRTs की वैकेंसीज देखने को मिले, क्योंकि PRTs की वैकेंसीज इस साल 2024 में निकली ही नहीं है और बाकी की निकल गई हैं। देन लेकिन उससे पहले आप लोगों के जो फॉर्म्स हम भर सकते हैं वो पहले एग्जाम्स लिए जाएंगे। एंड येस, फेब्रवरी मंथ में नहीं होंगे एग्जाम, जनवरी में भी नहीं होंगे, येस, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 मंथ्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपके एग्जाम्स की पूरी फुल 100% पॉसिबिलिटीज हैं। एंड उसके बाद हो सकता है आप लोगों को बाकी के एग्जाम्स, जो नई वैकेंसीज आएंगी, नया नोटिफिकेशन आएगा, उनके एग्जाम्स देखने को मिले। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने DSSSB का फॉर्म ऑलरेडी फिल करा हुआ है तो अब इस पे बिल्कुल भी लापरवाही मत दिखाइए। जितनी भी प्रिपरेशन जैसे भी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा तेज़ कर दीजिए, एंड प्रिपरेशन अच्छी हो गई है तो स्टार्ट डूइंग मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, ये सारी चीज़ें करिए एंड कीप ऑन गोइंग ऑन विद योर प्रैक्टिस। उसमें बिल्कुल भी कमी मत लाइए, क्योंकि आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि इस बार जो आपने फॉर्म भरे हुए हैं, अगर आप लोगों का एग्जाम नहीं भी क्लियर होता है, वैसे हम बोलते हैं ना 1% नेगेटिव भी सोच के चलना चाहिए, तो वी आर हैविंग मोर ऑप्शंस, अगेन आपके पास लाइन में वैकेंसीज खड़ी हुई हैं, तो आप लोग एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम जो एग्जाम एकदम से अगले एक में भी हो सकता है, एक साल में आपको 2-2 एग्जाम देने पड़े, क्योंकि जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसका एग्जाम भी फिर अगले साल होगा। तो इसीलिए अपनी एग्जाम की तैयारी पूरी करिए, इस बार नहीं तो अगले एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन काम आएंगी, पर काम जरूर आएंगी, इसीलिए बिल्कुल भी ढील छोड़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। देन एग्जाम पैटर्न तो आप लोगों को पता ही है कि हमारा जनरल पेपर का सिलेबस तो सारी टीचिंग के लिए सेम ही होता है। हमारा 20 मार्क्स का आपको जनरल इंग्लिश देखने को मिलेगी, 20 मार्क्स की आप लोगों जनरल हिंदी देखने को मिलेगी, देन 20 मार्क्स मैथ्स, 20 मार्क्स रीजनिंग एंड 20 मार्क्स जनरल अवेयरनेस GK क्लासेस। मैंने भी आपकी काफ़ी सारी 13-14 क्लासेस में अभी तक ले चुकी हूँ, मैंने उसकी प्लेलिस्ट तैयार करी हुई है और सिर्फ वही चीज़ें डाली हैं, वही टॉपिक्स डाले हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं है, उनको आप ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे क्लास ढूंढ रहे हैं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊं। स्टिल उसके बाद भी मैंने आपको काफ़ी सारे चैनल्स बताए हैं जो बहुत अच्छे हैं फॉर जनरल अवेयरनेस क्लासेस, रीजनिंग के लिए आई हैव टोल्ड यू द चैनल, मैथ्स के लिए बताया है, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, सारे चैनल्स। अगर नहीं देखा है तो आप मेरी पहली वीडियोज़ देख सकते हैं। आप लोगों ने कहा था कि मैं GK के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालूं, तो मैं ऑलरेडी ये काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ GK के बारे में, जिसमें आपको वो टॉपिक ज़रूर करने हैं फॉर एग्जाम पर्पस। एंड बस आपको ध्यान ये रखना है, आपको टाइम लिमिट का बहुत ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि आप एग्जाम्स अपनी स्पीड को आप तभी बढ़ा पाएंगे। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि बहुत टाइम लग जाता है, हमें क्वेश्चंस कई बार आते भी होते हैं, लेकिन कई बार उस टाइम हम इतने नर्वस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आते हुए क्वेश्चंस भी रॉन्ग हो जाते हैं, और लेकिन कई बार हम अपनी सेल्फ एस्टीम पे ले लेते हैं,
सेल्फ ईगो पे ले लेते हैं और हम उसी क्वेश्चन के अंदर कि नहीं सॉल्व कैसे नहीं होगा, अभी करके दिखाता हूँ या अभी करके दिखाती हूँ, ये चीज़ करते करते हमारे 5-10 मिनट एक क्वेश्चन पे लग जाते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, एक क्वेश्चन पे ऊपर स्टिक होके नहीं रहना है। जो चीज़ नहीं हो रही है अगले पे भर जाइए जो जो चीज़ हो रही है। तो ये चीज़ आपको टाइम सेव करने में बहुत हेल्प करेगी, एक क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना है, ठीक है। एंड आप लोगों को एग्जाम में 30-35 सेकेंड से मिलते हैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, तो इसी हिसाब से इसी स्पीड से आप लोग कोशिश करिए। एंड जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा आप रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा आप लोगों को आसानी होगी। सो ऐसा नहीं है कुछ क्वेश्चन 10 सेकंड में भी सॉल्व हो जाते हैं अगर आप लोगों को नॉलेज होती है, हर एक क्वेश्चन 30-35 सेकंड नहीं लेता, और कई क्वेश्चन क्या करते हैं एक एक दो दो मिनट भी ले लेते हैं। तो इस चीज़ पे आप फोकस पूरा रखें एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग विद योर एग्जाम रिवाइज एंड बी पॉजिटिव, बी हेल्दी, कीप योर सराउंडिंग्स पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, उनका साथ हमेशा उनसे दूर रखिए। एंड अपने प्रिपरेशंस के बारे में किसी को कभी भी मत बताइए कि आप व्हाट इज़ योर प्लानिंग फॉर फ्यूचर, क्या कर रहे हैं, ये कभी भी नहीं बताना चाहिए। लेट योर वर्क टॉक, अपने काम से आप अपना जवाब दें मुँह से बोलने के बजाय, लेट योर वर्क स्पीक फॉर यू। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरी वन, हैव अ नाइस डे।